रूही, तुम्हारे लिए इतला है कि कल मेरा होने वाला मंगेतर और फ्यूचर हस्बैंड घर वालों से मिलने आ रहे हैं। तो कल के दिन ना मनहूस वजूद अपने कमरे की हद तक रखना। मैं नहीं चाहती तुम्हारी नौसत की वजह से पर फिर मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। मेरे कमरे में रहने से अगर तुम्हारा काम बनता है मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे। समझ हो सकता है आने वाला शख्स मुझसे ज्यादा मनहूस साबित हो तुम्हारे लिए। What? क्या बकवास कर रही? बकवास नहीं है, एक्सपीरियंस है मेरा। मैं तुम्हें चौंक से मार दूंगी। किसी जिंदा को मारो समरीन, मैं तो मर चुकी हूं। रूही। अरे बीजान, आप आजकल तो स्कूल से आने के बाद ऐसी ही गायब होती हैं। कमरे में आके बंद, हम तो शक्ल को तरस जाते। बीजान बस तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है मुझे। अरे डॉक्टर के पास ले जाएं कल आपको? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, दवाई भी ले ली है मैंने, खा रही हूँ दवा। अच्छा बेटा, आपको ये बताने के लिए आए थे हम कि खैर से कल ना समरीन के जो होने वाले दुल्हा हैं हम सबसे मिलने आने। खैर मिले तो पहले भी हैं, लेकिन बकौल समरीन के कि अब मामला सिलसिला कुछ और आगे बढ़ गया है। हमने सोचा था कि आपके साथ मिलके उनके लिए कोई अच्छा सा इंतजाम कर लेंगे, लेकिन खैर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करें, हम और जुबैदा जो है वो कर लेंगे सब। ठीक है बीजान, मैं वैसे कल स्कूल की भी छुट्टी ही कर रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं शायद नीचे नहीं आ पाऊंगी कल। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं, आपके लिए सूप बना के लाएं? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है बीजान, मैं। अरे नहीं नहीं क्यों, उसमें कौन सी इतनी मेहनत है, हम शायदा के हाथ भेज देते हैं बना के। चलिए सही, भेज दे, अभी भेज दे। Thank you.